The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sadh Sriyakal, friends. How are you? I am Doctor Paramjeet. You are watching Doctor Education, friends. News you must have heard that a बातें चल रही हैं कि कोरोना वायरस एयरबॉन है एयरबॉन है और डब्ल्यू एच ओ के ऊपर जोर डाला जा रहा है और ये रिसर्च हुई है कई सारे न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा कि दुनिया भर के बत्तीस कंट्रीज़ के थर्टी टू कंट्रीज़ के टू थर्टी नाइन साइंटिस्ट ने आउटलाइन करी है एविडेंस को और ये बताया है कि कोरोना वायरस में बड़े बड़े पार्टिकल्स ही नहीं है जो हम छीकते हैं खांसते हैं, बात करते हैं तो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो के इंफेक्ट कर रहे हैं लोगों को और वो 329 ने ओपन लेटर में डब्ल्यू एच ओ से कहा है कि अपनी रिकमेंडेशन को रिवाइज करें रिकमेंडेशन के लिए हर इंसान के लिए नाइन एन फाइव मास्क होना चाहिए और जो पेशेंट है फिर वो ऐसा अगर होगा कि वो एरोसलाइज्ड है पहले हम समझते हैं एरोसलाइज्ड और ड्रॉपलेट में क्या फर्क होता है और अगर कोरोना वायरस एयरबॉर्न होता तो फिर क्या हो जाता और क्या नहीं होता अव्वल तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो है उसको इस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता जिस तरह से अभी करने की कोशिश हो रही है और ना ही फिर चाइना में वो कंट्रोल होता जिस प्रकार से चाइना में कंट्रोल हुआ अगर वो प्योरली एयरबोर्न होता एयरबोर्न इन्फेक्शन के भी एग्जाम्पल देखेंगे और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे और बात करेंगे आज की भाई ये सब में प्रॉब्लम कहाँ है आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि साइंटिस्ट को ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी जो थेरी है फिर वो कई बार उसके उसके लिए सोचने लग जाता प्रोज एंड कॉन्स लेकिन एक अथॉरिटी को ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ता है कि भाई इसके इम्प्लीकेशन्स क्या होंगे इसके आ, अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसका क्या होता है खैर बहरहाल ये एक अलग एस्पेक्ट है इसमें हम नहीं जाएंगे ये उनका लेना देना है हमारी बातचीत है कि भाई जो कोरोना वायरस है क्या वो एयरबॉन है या नहीं है तो पहले हम समझ लेते हैं कि कोरोना वायरस सार सी ओ वी टू राइट सार सी ओ वी टू नाम है ये एयरबोन का मतलब क्या है एरोसोलाइज का मतलब क्या है ड्रॉपलेट का मतलब ये पार्टिकल पे डिपेंड करता है यानी कि कोरोना वायरस के पार्टिकल का साइज अब जब भी आप कभी कहीं पे छीकते हैं या खांसते हैं या इवन बात भी करते हैं तो कुछ एरोसॉल्स कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं अब ड्रॉपलेट का मतलब है कि उसके पार्टिकल का साइज जो है फाइव माइक्रॉन से बड़ा है फाइव माइक्रोमीटर डायमीटर के बड़ा है तो वो ड्रॉपलेट है ड्रॉपलेट मतलब वो जाके ड्रॉप हो जाएगा ड्रॉपलेट ड्रॉप और ये ड्रॉपलेट जो है छह फुट से ज्यादा दूर नहीं जा सकता इसीलिए आपको बोला जाता है छ फुट छ फीट की दूरी छ फीट की दूरी बनाए रखें ज्यादातर कोरोना वायरस में ड्रॉपलेट ही निकलते हैं लेकिन कुछ मात्रा में हर बार हर चीज में कुछ एरोसोल्स निकलेंगे निकलेंगे एरोसोल का मतलब है लेस देन माइक्रोन के डायमीटर पांच माइक्रोमीटर पर के डायमीटर से छोटे जो जो ड्रॉपलेट होंगे माइक्रो ड्रॉपलेट बोल लीजिए एरोसोलाइज ड्रॉपलेट बोल लीजिए ये क्या होता है ये दूर तक जा सकते हैं ये हवा में कुछ देर तक सस्पेंडेड रह सकते हैं ये घूमेंगे नहीं ये दिल्ली से मुंबई नहीं जाएंगे राइट right, ये गली से गली घूमेंगे आपके घर में घुसेंगे ऐसे ऐसे नहीं होगा ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स ये हो सकते हैं एरोसोलाइज होके कुछ देर तक हवा में सस्पेंडेड रहे अब ऐसे में अगर एक खुली जगह है तो वहां तो वो थोड़ी देर में बैठ जाएंगे हो सकता है पंद्रह मिनट आधा घंटा एक घंटा वी डोंट नो लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मॉइस्चर कितना है डिपेंडिंग अपॉन एयर कितना है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कितना है लेकिन एक बंद कमरे में एक हॉस्पिटल के अंदर जहां बहुत सारे पेशेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर अगर वहां दस लोग हैं एक मॉल के अंदर जहां पचास लोग हैं उनमें से अगर दस लोगों को भी कोरोना है और पांच लोगों को भी कोरोना है हॉस्पिटल में तो प, जितने लोग आ रहे हैं उसमें कई सारों को कोरोना होता है तो उसमें उसमें फिर हमें मान के चलना होता है कि हवा में ही कोरोना है तो हॉस्पिटल में जब हम रहते हैं एज फार एज आर हॉस्पिटल स्टे इज वो पूरा का पूरा कोरोना से भरा हुआ इन्वायरमेंट एरोसोलाइज मान के चलना पड़ता है सो so, इसके लिए फिर कई सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ जाते हैं बहुत सारे याद रखिए कोरोना हो या कोई भी हो अल्टीमेट देर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ दिस थिंग इसमें क्या है एक तो लार्ज इंफेक्शियस डॉपलेट होते हैं जो वायरसेस uh, हर प्रकार के वायरसेस से निकलते हैं वाटर और म्यूकस इंक्लोज होते हैं जो एक से तीन फीट छह फीट तक गिर जाते हैं एक से तीन फीट तक लार्ज ड्रॉपलेट स्मॉल ड्रॉपलेट तीन से पांच या छः फीट तक और जो बहुत ज्यादा इंफेक्शन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है वो घूम सकते हैं प्रोलॉन्ग पांच माइक्रॉन से छोटे होते हैं वो ज्यादा देर तक लंबे समय तक रह सकते हैं याद रखिए इसमें आपके कफ की स्पीड भी कितने जोर से खांसी कर रहे हैं वो भी मायने रखता है और स्प्रे भी मायने रखता है तो ऐसे कई सारे इन्फेक्शन हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं जैसे कि आप अगर बात करें ड्रॉपलेट की तो गला जो खराब होता है स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन या या फिर हीमोफिलस इंफ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा डिप्थीरिया रूबेला मम्स एडिनोवायरस राइनोवायरस ये सारे जो हैं या और यहाँ तक के जो कुछ प्रकार के कोरोना वायरसेस कोरोना वायरस आपको पता है छह प्रकार के हैं तो कोरोना वायरस कुछ प्रकार के हैं जो सिंपल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है अब एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें याद रखिए जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं उनको हम एक साथ रख सकते हैं लेकिन एक बड़े कमरे में रख सकते हैं छ फीट की दूरी में राइट और उनको मास्क पहनाना है जब भी वो एक दूसरे के पास जाते हैं या ट्रैवल होते हैं और जो खांसी है खांसी वासी करते हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए या बाहर हैं तो फिर कफ एटिकेट्स होने चाहिए या आपको भी पता होना चाहिए लेकिन अगर कहीं कोई ड्रॉपलेट की जगह एयरबोन ज़्यादा है एयरबोर्न इन्फेक्शन इंडिया में हैं जैसे कि वेरिसला जोस्टर चिकन पॉक्स राइट स्मॉल पॉक्स मीजल्स ट्यूबरकुलोसिस इबोला ये एयरबोर्न है ये डेंजरस है अगर ये फैलते हैं तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके लिए फिर हर पेशेंट को एक एक अलग अलग कमरा दरवाजे बंद उसमें नेगेटिव एयर सक्शन होने चाहिए फिल्टर्स एयर फिल्टर होने चाहिए हिपा फिल्टर्स होने चाहिए कि भाई पूरे हॉस्पिटल में फिर फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे फिर पूरे अस्पताल में एक एक पेशेंट को एक एक कमरा देना पड़ेगा ऑलरेडी कमरे कम है ऑलरेडी बेड कम है ऑलरेडी आई में तो ये भी बहुत ज़्यादा इनप्रैक्टिकल हो जाता है और इसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको एक एक जगह को सील करना पड़ेगा नेगेटिव एयर सेक्शन से क्योंकि वहां की हवा अगर बाहर चली गई तो उससे एयरोसोल्स बाहर चल जाएंगे फैल जाएगा और ज़्यादा वायरस अगर ऐसा होता तो चाइना में ये वायरस इतनी आसानी से कभी कंट्रोल नहीं आता हिपा फिल्टर्स लगाने पड़ते हर अस्पताल में कफ एटिकेट्स वो सब तो अलग बात है पेशेंट को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते फिर एक जगह से दूसरी जगह या करते तो मिनिमम करते और पूरे के पूरे जो एटिकेट्स हैं जो आ, मास्क है फिर कोई और मास्क से काम नहीं चलता फिर सिर्फ और सिर्फ एन नाइन्टी फाइव वाला मास्क पहनना पड़ता रेस्पिरेटर्स पहनने पड़ते मजाक से नहीं सच में ऐसा फिर हो जाता तो जहां पर यह जरूर सच्चाई है कि हर प्रकार का वायरस जब हम ये मानते हैं कि वायरस जो है स्टूल में भी आ रहा है यूरिन में भी आ रहा है बॉडी फ्लूइड्स में भी आ रहा है लेकिन यह मेजॉरिटी किससे किससे फैल रहा है वो मायने तो मेजरली जो बेन मेन उसका एटी नाइनटी परसेंट उसका जो स्प्रेड है ट्रांसमिट है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया से है फोमाइट से है चीजों के ऊपर गिर जाने से उसके ऊपर हाथ लगाने से है और जो पाँच परसेंट दो परसेंट छोटा मोटा ट्रांसमिशन है वो एरोसॉल से है ज्यादा एरोसॉल का ट्रांसमिशन आपका अस्पताल में है इसलिए हॉस्पिटल जाना थोड़ा खतरे वाली चीज़ होती है अन्य अनिल यू हैव एमरजेंसी हॉस्पिटल ना जाए अगर जा रहे हैं अस्पताल तो अपना घर आके नहाए धोए सौ बार हम बता चुके हैं ये सारी चीजों का पालन आपको करना है और वीडियोस देखने हैं ये सारे डिबेट्स चलते रहेंगे कभी किसी साइंटिस्ट uh, को फाइंडिंग मिलेंगी कि हमारे जो फाइंडिंग है उससे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ज़्यादा थे तो एरोसोल ज़्यादा हुए इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में फ़र्क नहीं पड़ता अस्पताल में तो वैसे भी हमें एरोसोलाइज मान के चलना है राइट लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि पेशेंट पेशेंट को इतने बेड नहीं मिलेंगे फिर अस्पताल जो है जो अभी ऑलरेडी फुल चल रहे हैं उसमें से भी पेशेंट हटाने पड़ेंगे कि दूर दूर रहो दूर दूर रहो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मैनेज करना तो केवल एरोसोलाइज नहीं है हवा में नहीं है ये मानना ज्यादा लॉजिकल ज्यादा प्रैक्टिकल है बाकी आगे रिसर्च चल रही है जो निकल के आएगा आपके सामने आएगा ये हमारा ओपिनियन है थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए अगर कोई और डाउट हो तो नीचे लिख दीजिएगा पहले 10 सवालों के जवाब दिए जाएंगे या फिर आप रात को 10 बजे के बाद हमारे एफ चैनल पर आके हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं लाइव सो थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी